Hello students, welcome to Poonam classes. Today we are going to discuss the new topic of 12th class physics, capacitance of a conductor. Understand? Firstly, we will discuss about the capacity. So, understand? Capacity kya hota hai? Jisko hum kshamta kehte hai. Capacity means kshamta. Kshamta ka matlab kya hota hai? Ke kisi bhi jaise ye room hai, is room mein agar 50 पर्सन्स बैठने की कैपेसिटी है तो इट मीन्स यहाँ पर 50 पर्सन्स आप उस पर सिट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो यही चीज़ हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में एक कैपेसिटी होती है, कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है कि कितने चार्ज वो होल्ड कर सकता है. यानी द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर दैट होल्ड्स द चार्ज. अंडरस्टैंड? यानी कि एक कंडक्टर में कितने चार्जेस आ सकते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटी. अंडरस्टैंड? तो यही कैपेसिटेंस क्या होता है कि जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा. पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. इट मीन्स इफ वी इंक्रीजेज द चार्ज ऑन द कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज. अंडरस्टैंड? समझ में आया? आप देखिए, जैसे हम किसी भी बर्तन में या किसी ग्लास में वाटर लेते हैं, पानी डालते हैं, तो अगर उसमें पानी उड़ेलते जाएंगे हम तो उसका लेवल राइज होता चला जाएगा. सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि इफ वी इंक्रीज द charges on the conductor then its potential will increases. समझ में आ गया? क्लियर? तो इट मीन्स हमको यहाँ पर एक चीज़ पता चलता है कि चार्ज यानी टोटल Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अंडरस्टैंड? आपका जो चार्ज होता है वो चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर? तो चार्ज आपका पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स इफ वी इंक्रीजेस चार्ज देन द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर विल ऑल्सो इंक्रीजेस. अंडरस्टैंड? तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस को कम करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा. ओके? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस. यानी इसी सी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो कैपेसिटेंस मीन्स क्या हुआ, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. अंडरस्टैंड? कैपेसिटेंस क्या हुआ आपका, कैपेसिटेंस इज अ रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल. क्लियर? पोटेंशियल के सॉरी चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. क्लियर? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ओके? अब इसका यूनिट अगर हम देखेंगे तो यूनिट चार्ज का होता है कूलम, पोटेंशियल का होता है वोल्ट. इट मीन्स क्या हुआ, कूलम पर वोल्ट. अंडरस्टैंड? द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट. ओके? और यू कैन से द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड. इसको हम फेराड कहते हैं और कैपिटल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टैंड? तो कैपेसिटेंस को हम, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो आपका फेराड होता है और फेराड को हम एफ से, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन फेराड. अंडरस्टैंड? तो वन फेराड आप क्या करेंगे, कैपेसिटर, इट मीन्स वन फेराड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज व्हेन द पोटेंशियल इज वन वोल्ट. अंडरस्टैंड? इफ वी गिवन अ चार्ज, इफ वी गिव द चार्ज टू द कंडक्टर देन दैट चार्जेस इंक्रीजेस द पोटेंशियल बाय वन वोल्ट. अगर हम किसी भी कंडक्टर को इतने चार्ज दें
जिससे कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए. दैट कैपेसिटेंस इज नोन एज फैराड. अंडरस्टैंड, क्लियर? ओके, तो ये कैपेसिटेंस का यूनिट हुआ फैराड. अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एटी. अंडरस्टैंड, बोल्ट, बोल्ट यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी वर्कडन अपॉन चार्ज. क्लियर? तो वर्कडन अपॉन चार्ज, तो वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एल, और चार्ज एक और ऊपर जाएगा ए टी. अंडरस्टैंड, तो यानी कि क्या हुआ आपका, देखो इस क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी हो गया, पोटेंशियल का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज. क्लियर? बस यही हम इसको इक्वल में कर देंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पर m रेस टू द पावर माइनस वन एल टू, तो l माइनस टू हो जाएगा आपका, t माइनस टू और ये टू, तो t रेस टू द पावर फोर. ओके, एंड a टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस. अंडरस्टैंड, समझ में आया? ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. क्लियर? कैपेसिटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं? आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा एमपी में कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल. डिफाइन फैराड, द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विच रेजेस द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज 1 फैराड. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस. अंडरस्टैंड? अब क्या आता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. तो कैपेसिटर के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है. कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द, या विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, समझ में आया? तो ये कैपेसिटर एक डिवाइस होता है. तो कैपेसिटर क्या होते हैं, आपके स्फेरिकल होते हैं और आपका सिलेंड्रिकल भी होता है. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देयर आर टू प्लेट्स, एक प्लेट ऐसा एक प्लेट ऐसा, दोनों प्लेट को पैरेलल रखते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो नाउ वी विल डेराइव द इक्वेशन, वी विल डेराइव द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अंडरस्टैंड? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अंडरस्टैंड? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो कैपेसिटर देखो जैसा इसका नाम है वैसे समझ लेना कि दो प्लेट्स लेंगे, यानी कि दो शीट्स लेंगे, दो पैरेलल शीट्स हम आपस में रखेंगे. सपोज करो वी हैव टेकन द शीट दिस, दिस इज एंड दिस, टू शीट्स आर देयर, टू शीट्स पैरेलल आपने लिया. अंडरस्टैंड? तो देखिए इधर, अगर हम इस शीट को, इस शीट का नाम हमने रखा M और दिस इज N. अंडरस्टैंड? ये दोनों पैरेलल प्लेट शीट्स हैं, इनके दोनों के एरिया हमने A मान लिया. तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लेट्स इज A. अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? दोनों प्लेट का एरिया हमने इक्वल एरिया माना है और एरिया उसका कैपिटल ए मान लिया हमने. अब हम क्या करते हैं कि जैसे इस फर्स्ट वाली प्लेट को, यानी एम प्लेट में हम चार्जेस देते हैं पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? जैसे देखो इस प्लेट पे हमने क्या किया, चार्जेस दिए, ये पॉजिटिव चार्ज दिया इस पे. अंडरस्टैंड?
तो आपको मालूम है कि चार्जेस हमेशा उसकी सरफेस पर आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी इस सरफेस पर आ चुके हैं इस प्लेट पर। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा नेक्स्ट जो फेस है, यानी नेक्स्ट जो प्लेट का फेस है, यानी इनर फेस ऑफ द प्लेट एन, एन का क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस विल इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेसेस ऑफ प्लेट। अंडरस्टैंड? तो यानी कि क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गए आपके। क्लियर, समझ में आया? सेम प्रोसेस, जब नेगेटिव इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव आएंगे, तो इस साइड जो पॉजिटिव आए थे चार्जेस आपके, उनको हमने अर्थिंग कर दिया। क्लियर, इन चार्जेस को हमने अर्थड कर दिया। तो इट मीन सिंपल हम क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग अ टू प्लेट हुज एरिया इज ए एंड इफ वी गिव द चार्जेस पॉजिटिव चार्ज टू प्लेट एम देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस ऑफ द प्लेट एन। अंडरस्टैंड? और आउटर फेस, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आउटर फेस ऑफ द प्लेट एन आर अर्थड। अंडरस्टैंड? क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये आपके चार्जेस आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अब हमको इसमें क्या करना है, सबसे मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए ज़रा इधर कि सी क्यू अपॉन वी, चार्ज तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हमने चार्ज क्या लिया था, चार्जेस कितने हैं यहाँ पर आपके, क्यू चार्ज हैं, यानी इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएंगे। सेम वही प्रोसेस, क्योंकि जितने चार्ज आपके यहाँ होंगे उतने ही आपके चार्ज यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए हमने एक डेरिवेशन किया है, इसमें आप देख सकते हैं वीडियो डला हुआ है उसमें, कि द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर या माइनस डी वी ओवर डी एक्स, ये हमने पढ़ा था, ये आपको मालूम है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके पहले हमने क्या हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, आपको याद हो हमने पढ़ा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों प्लेट के बीच में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक ई वन लिया ड्यू टू प्लेट एम, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन होगा। क्लियर, ई वन इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है प्लेट के जो इसका एक डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आप इस वीडियो में इसमें एक पीछे डला हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। क्लियर, तो उसमें क्या होता है, ई वन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड? अब देखो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी है। तो दैट इज क्यू इज इक्वल, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज नोन एज सिग्मा। क्लियर, तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई वन इज इक्वल टू क्यू टू ए एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड? क्लियर,
अब देखो एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इस मीन्स इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, आप देखो ये पॉजिटिव और ये, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेट एम, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन लिखेंगे अवे फ्रॉम एम, एम प्लेट से दूर होगा इसका डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि इट मींस क्या हुआ कि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इसका क्या हो गया, अवे फ्रॉम एम, यानी एम से दूर जाएगा। आप देखेंगे, आपको इसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं कि चूंकि दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, तो रिपल्सन लगेगा इसकी तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एम या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आपका, ई टू। ओके, दिस इज ई टू, ई टू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ई टू आपका ये होगा आपका, क्लियर, और E2 का जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स प्लेट M, अंडरस्टैंड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स N, N की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस इज निगेटिव प्लेट और निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्लियर, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दिस इक्वेशन इज सेकंड एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। क्लियर, आ गया समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एम एंड एन, और बिटवीन लिख सकते हैं हम इसको चाहे तो, बिटवीन एम एंड एन, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एम और एन के बीच में अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे इधर पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, अंडरस्टैंड, सिंस ई वन एंड ई टू आर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर दे विल बी एडेड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। ओके, समझ में आया? तो आप देखिए जरा इसको, ई वन एंड ई टू दोनों की वैल्यू रख दो, ई इज इक्वल टू ई वन क्या है, Q अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और हाफ हाफ हैं दोनों तो इसलिए दोनों जुड़ के एक हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। अब हमको क्या है, देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सिंपल है कि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे आएगा, देखो V इज इक्वल टू क्या करेंगे, बट V इज इक्वल टू E इंटू D, डिस्टेंस कहेंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन बोथ द प्लेट्स, ये D हो जाएगा, अंडरस्टैंड। हमने अभी देखा था ना कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी यानी डी एक्स। हमने पढ़ा था क्या कि V इज इक्वल टू, सॉरी E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, यही पढ़ा था ना। तो डी वी इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, अंडरस्टैंड। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो हम यहाँ पे E का वैल्यू रखेंगे, सो V इज इक्वल टू E का वैल्यू रखा Q over A epsilon naught into D, this is potential,
अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पर पोटेंशियल पता चल गया, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो इट मीन्स क्या हुआ, सी इज इक्वल टू क्यू की जगह पे तो क्यू रखेंगे, वी की जगह पे क्यू डी, और ये आप देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा। तो सी आपका निकल के आया, यहाँ हम बता देते हैं इस जगह पे सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्लियर, फेराड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अवर एग्जाम, क्लियर। बहुत ज़्यादा आता है और आ भी सकता है, बट इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आती है, आपको हम बताएं यहाँ पर एक मेन चीज़ और आती है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, और इस प्रकार से भी आ सकता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आया, यानी कि क्या हुआ कि आप अगर कैपेसिटेंस, एक तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर, और हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल है, कैपेसिटेंस ए एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट्स देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड, देखो अगर हम इन दोनों प्लेट्स के एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो हमको कैपेसिटेंस मिल जाएगा, बढ़ जाएगा, इट मीन्स द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अंडरस्टैंड, तो इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट बोथ द प्लेट्स देन द कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट्स विल बी कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड, और दूसरा क्या है, डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। तो इट मीन्स आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ वी इंक्रीज द डी देन कैपेसिटेंस विल लेस, इफ वी डिक्रीज द डी देन कैपेसिटेंस विल मोर। अंडरस्टैंड, तो बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर, समझ में आया। दूसरा अगर हम चाहें तो एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एक अगर हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं इसके बीच में तो भी इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा सकता है। तो इफ वी प्लेस द डायलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के और यू कैन से एप्सिलॉन आर, तो देन वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। एक किसी प्रकार से स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, तो अल्टीमेटली आप एक चीज़ देखिए, कैपेसिटर में हमको सबसे पहले क्या करना रहता है कि पोटेंशियल निकालना है। किसी भी चीज़ में हो तो पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस को आपने दिया, ये चार्ज इंड्यूस्ड हुए और इसका जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर निकलेगा। तो दोनों प्लेट्स के द्वारा हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 निकाला, फिर दोनों का डायरेक्शन निकाल के दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने पोटेंशियल इनटू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और इस प्रकार से हमने ये पोटेंशियल निकाला। और सिंपल C अगर हम उसको जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, V से उसको डिवाइड कर देंगे आपका, सॉरी क्यू बाय वी, वी का वैल्यू रख के जो हमने अभी यहाँ निकाला था वी, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वी कैन गेट द कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अंडरस्टैंड, और इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट एंड बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट को अगर वेरी क्लोज अगर हम रखते हैं तो हम कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का बढ़ा सकते हैं। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और सिंपल अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश कीजिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तीन चीज़ें इसमें दिमाग में रखनी है हमको। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, क्लियर, सिंपल है। हमको कैपेसिटर निकालना है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, तो अल्टीमेटली हमको पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल पैरेलल प्लेट में पोटेंशियल कैसे आएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको ई मिला, इससे हमने इसका कैपेसिटेंस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, सिंपल आ गया, क्लियर। ओके सो थैंक यू बेटा।